काका। एक थे माली काका, बगीचे में पौधा लगा रहे थे। उसी समय उस नगर का राजा उधर से जा रहा था। राजा भेष बदलकर जनता का हाल जानने निकला था। राजा ने देखा कि माली काका बड़ी लगन से पौधा लगाया था। वह बूढ़े हो चले थे, फिर भी पौधा लगा रहे थे। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। मन ही मन उसने सोचने लगा, कब यह पौधा बड़ा होगा, कब यह फल देगा। जब फल देगा तब तक क्या माली जिंदा रहेगा। राजा माली काका के पास पहुंचा और उनसे पूछा, तुम किस चीज का पौधा लगा रहे हो। माली काका ने जवाब दिया, नारियल का। राजा ने पूछा, इसमें फल कब लगेंगे। राजा माली काका ने छोटा सा उत्तर दिया, 15 वर्षों के बाद। राजा ने पूछा, क्या तू इतने दिनों तक जीवित रह पाओगे। माली काका ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मेरे बेटे बेटियां और नाती पोते तो इसके फल खाएंगे। राजा कुछ और पूछता उसके पहले ही माली काका ने हंसकर कहा, अरे भाई, मैं भी तो अब तक अपने बाप दादा के लगाए पेड़ों का फल खा रहा हूँ। वह देखो, वह जो अखरोट का पेड़ है, उसे मेरे दादाजी ने लगाया था। राजा मन ही मन प्रसन्न होकर लौट गया। अगले दिन उसने माली काका को दरबार में बुलाया और ढेर सारी इनाम दी। दोस्तों, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है वह महान होता है।